ये देखिए हमारे गमले में वाला फूल इतना बड़ा हो चुका है। खाना खाने के बाद खाते हैं इसको। मिलाई थी कल यहाँ पे गेहूँ, तो यहाँ पे रखे मम्मी ने इतने गेहूँ। अभी आई है ये वाली बुक पोस्ट ऑफिस से। छह छह टाइल है यहाँ से दिख रहा है, दो चार दो छह। मम्मी लोग भी ला रहे हैं, अभी पहुँच चुके हैं छाने में और अब जाएंगे हम गेहूँ काटने। काटने में नहीं, क्योंकि ये नीचे से ही है, छोटा भी है, यहाँ से है, यहीं से ये बांझ है नीचे से ही। तो मेरे साथ ऋषु भी आया यहाँ पे और वहाँ पे चाची काट रही है गेहूँ और मम्मी भी चली गई है उस वाले खेत में। तो गाइस मुझे बांझ काटते काटते मिल गए यहाँ पे घोंसला। तो मैं जा रही हूँ मम्मी में उठाने, गेहूँ लगा दी है मम्मी ने, तब जाएंगे हम घर। लगा दिया मम्मी ने, आके सबसे पहले फ्रूटी पी रही है। आजकल कचर पचर बहुत खा रही है। कचर पचर मैं। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, बड़ों को मेरे पे लाख छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। मैं सीता हटवाल उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत करती हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। 7 बज चुके हैं और मेरे घर में अच्छे से धूप खिल चुकी है और वैसे भी आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है। मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छी सी धूप निकल। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, बड़ों को मेरे पे लाख छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। मैं सीता हटवाल उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत करती हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। 7 बज चुके हैं, अभी स्कूल वगैरह भी कुछ नहीं लगे और हरियासी भी निकल चुके हैं स्कूल। मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो आज कई दिनों के बाद जाएंगे हम अपने ऊपर छान में, मतलब मम्मी तो कल भी गई थी और मैं जाऊंगी आज। तो चलते हैं सबसे पहले ऊपर वाले घर में और नाश्ता वगैरह करते हैं। ये देखिए हमारे गमले में वाला फूल इतना बड़ा हो चुका है, इस पर दूसरी टहनी आ चुकी है यहाँ नीचे से और बाद बाकी ये तुलसी और ये जौ वगैरह जम रखे हैं इसमें और ये है कूड़ा। और ये सारी तुलसी है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर वाले घर में और देखते हैं नाश्ते में आज क्या क्या बना है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते में बना है भिंडी की सब्जी, चटनी, लेंगड़े की सब्जी और वहाँ पे गुलाब जामुन भी रखा है और रोटी। खाना खाने के बाद खाते हैं इसको। अरे अभी भी मुझे ही देख रहा है। मिलाई थी कल यहाँ पे गेहूँ, तो यहाँ पे रखे मम्मी ने इतने गेहूँ। ये देखिए यहाँ से गाँव का व्यू कई दिनों के बाद। भी जाएंगे हम गेहूँ काटने अपनी छान में, जैसे कल मम्मी गई थी और मम्मी लाई थी कल इतने गेहूँ, आज भी लाएंगे हम। तो आज दिन में आके खाएंगे हम खरबूज। भी अभी आई हैं ये वाली बुक पोस्ट ऑफिस से। इतनी सारी दो एक्स्ट्रा हैं। ये देखिए गाइस चिड़िया का घोंसला, इसके अंदर देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा। कितना बड़ा बना रखा है यहाँ पे। तो जब हम दुकान से आ रहे थे तो उनका यहाँ पे घर बन रहा है, तो वो टाइल लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी एक एक टाइल लेके जाओ। तो मैं लेके जा रही हूँ दो टाइल, मम्मी और भी लेके आ रहे क्योंकि वो मम्मी की पक्की फ्रेंड है, तो हमने सोचा दो दो लेके चलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं उनके घर के पास, तो हम रख देंगे रास्ते में, वहां से वो खुद ले लेंगे। छह छह टाइल हैं यहां से दिख रहा है, दो चार दो छह। मम्मी लोग भी ला रहे हैं अभी, ये देखिए यहां से उनका घर का रास्ता, एक ही घर ही है उनका पुराना वाला। पहुँच चुके हैं छाने में
और अब जाएंगे हम गेहूँ काटने, पर हमारे गेहूँ काटने लायक नहीं हुए अभी, ये तो आधी छूल ही नहीं गया। तो मम्मी काटेगी गेहूँ और मैं जा रही हूँ बांस काटने, यहाँ खेत के थोड़ा सा ऊपर है, और मम्मी काटेगी तब तक अपने लिए गेहूँ, क्योंकि गेहूँ अभी कच्चे कच्चे हो रहे हैं, इतने पके नहीं हैं अभी। काटना है मैंने, क्योंकि ये नीचे से ही है, छोटा भी है, यहाँ से है, यहीं से ये बांझ है नीचे से ही। तो मेरे साथ ऋषु भी आया यहाँ पे, और वहाँ पे चाची काट रही है गेहूँ, और मम्मी भी चली गई है वो साले खेत में। अरे देखिए ये खेत है, ये हमारे पानी का टैंकर, इसी के ऊपर यहाँ पे बांझ है, और यहाँ पे चाची का पूरा खेत हो गया है गेहूँ काटने लायक। चाची काट रही है गेहूँ और मम्मी भी चली गई है यहाँ पे। तो मैं चढ़ती हूँ फटाफट से पेड़ में और काटती हूँ। तो गाइस मुझे बांस काटते काटते मिल गए यहाँ पे घोंसला, और वो चिड़िया का है जो ब्राउन कलर की होती है, भूरी भूरी सी, उसका घोंसला है यहाँ पे। वो कितना अच्छा घोंसला है ये, ना इन्होंने घास से बना रखा है, तो यहाँ पे नहीं काटूंगी, क्योंकि उन्होंने ना ऊपर से सोच रखा हो बारिश होएगी तो वहाँ नीचे नहीं गिरेगा, तो मैं नीचे ही उतरती हूँ। तो काट लिया है हमने इतना सा बांस यहाँ पे, और ऋषु ने अपने लिए पत्ते पत्ते इकट्ठे किए हैं कट्टे में। तो ऋषु बैठा है अभी यहाँ पे, भाई साहब इसकी गप्पे सुनते हैं आप तो बहुत ही भयंकर है ये। स्कूल क्यों नहीं गया तो आज? लेर में उठी, देर में उठा कि मैं। क्या खेल रहा है वहाँ पे? क्या खेल रहा है बता, सर ऊपर कर। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस, इसकी शक्ल देखो आज कैसी हो रखी है, थोड़ा सा काम किया उसने, कैसी हो गई उसकी शक्ल। तो मैं जा रही हूँ मम्मी में उठाने, गेहूँ लगा दिए मम्मी ने, तब जाएंगे हम घर। अरे सारे चिड़िया ने खा दिए इधर इधर, वहाँ पे भी खा दिए। लगा दिया मम्मी ने, ऐसे लगा रही है मम्मी इसको, ऐसे बाल खूब थी गेहूं की, पर चूहों ने खा दिया, चूहों ने यार चिड़िया ने सारे गेहूं खा दिया हमारे। तो हम आ गए हैं घर में और खाते हैं खाना। आके सबसे पहले फ्रूटी पी रही है, मम्मी को देखना है कि इसके अंदर कैसे कैसे रहता है इतने दिनों तक। यहाँ
रोनी भीतर बैठी हम गताई पर बैठा बैठी कुछ नहीं रहता उसके अंदर, सिल्वर की तरह होता है बस। आजकल कचर पचर बहुत खा रही है कचर पचर मैं खाती हूँ इसको कचर पचर खा रही हूँ मैं कचर पचर खा रही हूँ बस। तो अभी खाते हैं हमाम और उसके बाद खाएंगे खाना। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है और थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को। बच चुके हैं और मैं उठ गई हूँ सो के और मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर में। तो मामी घर आई अभी अभी और उस पर माला पहनाई गई। मामी इधर देखना, देखो मामी ने बाल भी कटा दिए। आ जा जा रही हूँ दादाजी लोगों घर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सीता अटवाल मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।